राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्रीति ब्लॉग एंड हैक चैनल में आपका स्वागत है। और आप मैं आज के लिए आपके लिए आज मैं कुछ हैक्स लेकर आई हूँ। और आपको मेरे हैक्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फुल वीडियो वॉच करिएगा और एड स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग सॉरी हैक शुरू करते हैं। कुछ इस तरह के बर्तन होते हैं हमारे घर पर, जो अक्सर ऐसा होता है कटोरी या फिर गिलास एक दूसरे में फंस जाते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें और ये निकलते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें निकालने में। और हम हर संभव कोशिश करते हैं इसे निकालने की, मगर गिलास इस तरीके के फंस जाते हैं कि ये निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपके गिलास या कटोरी जो कोई भी बर्तन आपस में फंसा होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। मैंने गिलास लिए हैं और ये मैं पानी ले लूँगी और एक मिनट बंद कर, और मैं इस तरीके से इसमें ये पानी भर लूँगी। गैस को ऑन करूँगी। और मैं इस तरीके से इन गिलासों को रख लूँगी। तो देखिए ये गर्म हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और फिर से इसी में रखूँगी। तो अब मैं इसे कोशिश करूँगी निकालने की। और ये देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से हमारा गिलास निकल गया है इसमें से। और देख सकते हैं पानी इसमें जरा सा डाला था। इस तरीके से हम गिलासों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये वाली टिप्स कैसी लगी। तो फ्रेंड्स ये दही है, और अक्सर ऐसा होता है दही एक या दो दिन रखा रहे तो दही खट्टा हो जाता है, फिर बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप दही को दो से ज़्यादा दिन तक या तीन चार दिन तक आराम से रख सकते हैं। आपका दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। आप जब भी दही को निकालेंगे आपको बिल्कुल फ्रेश दही मिलेगा। तो देखिए ये दही है, मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊँगी। अभी पहले इसमें से मैं दही निकाल लूँगी। दही ले लिया है और मैंने एक बाउल दही लिया है। अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ मिक्स करूँगी जिससे कि आपका दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। और आराम जब भी आपका मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये लिया है एक चम्मच शक्कर, शक्कर लिया है। और देखिए मैं इसे पूरा नहीं डालूंगी, मैं पूरा डाल दूँगी तो ये दही मीठा हो जाएगा। जैसे मीठा दही खाते हैं तो मैं इसे थोड़ा कम करूँगी। ये देखिए मैं बस इतना शक्कर डालूँगी। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी अपने फ्रिज में। और ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, आपका दही बिल्कुल जौ की तरह बना रहेगा। और जब भी आपका मन करे आप दही निकालिए और खाइए। इसे मैं रख दूंगी उठा के। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये वाली टिप्स। मेरी ये आगे वाली टिप्स ये है कि हरी मिर्च होती हैं, और हम जब मार्केट से लेकर आते हैं और फिर ये फ्रिज में रखी रखी या बाहर रखी रखी ख़राब हो जाती है, सूख जाती है मिर्चें। तो हम इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं जिससे कि हमारी मिर्च को ख़राब ना हो और वो जो की तो बनी रहे। तो देखिए हमने ये लिया है डब्बा, और इस तरीके के डब्बे ना हर घर में मिल जाते हैं। और ये एयर टाइट डब्बे होते हैं, और मिठाई में वगैरह में हर चीज़ में इस तरीके के डिब्बे हर घर में होते हैं। तो मैं अब आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम इसमें मिर्च को सेट कर सकते हैं। पहले हम लेंगे टिशू पेपर, और टिशू पेपर हम इस तरीके से खोल के इसमें इस तरीके से बिछा लेंगे टिशू पेपर को। और ये जो मिर्च है इसके हमने डंठल तोड़ के और रख लिए हैं, और धो के सुखा के रखी है हमने मिर्च। तो हम एक बार जैसे सब्जियां लाएं तो हम सारी सब्जियों को धोकर और सुखा लें, और फिर इस तरीके के कंटेनर या कोई भी डब्बा ले लें और उसमें इस तरीके की मिर्च लें। और फिर एक और टिशू पेपर लेंगे हम, और उसमें इस तरीके से इसे ऊपर से भी पैक कर देंगे, ठीक है। और बस हम इसका ढक्कन लगाएंगे, और हम इसका ढक्कन लगा देंगे। और आप इस तरीके से इस ऐसे डब्बे में आप धनिया भी रख सकते हैं, और भी कोई सब्जी है मटर वगैरह तो वो भी आप रख सकते हैं। और आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आप निकालेंगे आपको एकदम फ्रेश मिर्च मिलेगी। तो बताइएगा आपको ये वाली मेरी टिप्स कैसी लगी।